So hi Tanushree, welcome to Teleglam. Thank you. So Tanushree, firstly many congratulations आपके comeback के लिए. Music video में मैंने सुना है आपने छोटा सा glimpse दिया है. I just want to know कि किस तरह का you know आपका experience रहा after a long time, जो भी छोटा सा आपने role दिया है. ये actually हो गया flow में, ये बात हो गया. मैंने तो इसको comeback के हिसाब से भी लिया नहीं था, सोचा नहीं था. I was just हम गाड़ी में किसी पूजा पंडाल में जा रहे थे, दुर्गा पूजा पंडाल में, और मुझे पता था कि आदिल और सैफ म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात छेड़ी एंड दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग. उन्होंने मुझे गाना सुनाया, लेकिन जो गाना सुनाया मतलब एक दूसरा गाना बाद में मैंने सुना, तो मुझे लगा ये गाना अच्छा है. सो पर उसकी शूट दो दिन बाद, तीन चार दिन बाद होने वाली थी एंड पता नहीं कैसे आई थी, हाँ ठीक है आई विल बी पार्ट ऑफ इट, और बस हो गया. मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में ज़्यादा. आई वाज जस्ट डूइंग इट एज अ फ्रेंडली जेस्चर टू सपोर्ट आदिल एंड सैफ. और एक उसमें मुखड़ा है, एक अंतरा है, और कह सकते हैं इस गेस्ट अपियरेंस इन अ वीडियो सॉन्ग ऑल्सो. वो चाहते थे कि मैं वो दूसरा वाला गाना करूँ जिसमें तीन दिन का पूरा शूट है, यू नो, एंड इट्स अ प्रॉपर स्टोरी. बट मुझे उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो मैंने बोला ये गाना कैसा रहेगा, यू नो, थोड़ा सा है, मैं चार घंटे के लिए आऊँगी बस. तो वैसे ही हाँ करते हैं, यू नो, उस तरह से बस हो गया. आई डेंट थिंक ऑफ इट. अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अरे हाँ, पीपल विल सी मी एक्चुअली ऑन स्क्रीन. यस बट यू नो, वही अगर हाजी भाई की बात करें तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है कि यू वर लुकिंग फैबुलस, और आपकी एक्टिंग स्किल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 13 years और 12 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, सो इतने गैप के बाद भी यू नो यू वर लुकिंग फैबुलस ऑन स्क्रीन भी, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मुझे तो कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ. मैंने कॉस्ट्यूम्स भी उन्होंने डिसाइड किए, क्योंकि आई वॉज जस्ट यू नो कमिंग टू सपोर्ट देम. तो मैंने ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हुई चीज़ों में कि क्या कपड़ा. उन्होंने बोला कि इंडियन में अच्छी लगती हो और वो अच्छा लगेगा स्टाइलिंग, तो मैंने बोला हाँ ठीक है. उन्होंने एक आउटफिट शेयर किया. नॉर्मली हम लोग शूटिंग किया करते थे तो हर चीज़ के लिए 5-5 आउटफिट देख कर मैं सोचती थी ऐसा नहीं वैसा नहीं. इसको मैंने बहुत कैजुअली लिया था, तो उन्होंने एक आउटफिट भेजा, मैंने हाँ अच्छा है ठीक है. फिर लुक दे ओनली डिसाइडेड, मैं बस पहुँच गई थी सेट पे. आई वॉज थिंकिंग कि जैसे हम साथ साथ पंडाल विजिट कर रहे हैं, साथ साथ हम PR में बैठ रहे हैं, वैसे मैं साथ साथ इनके साथ शूट पे चली गई. हम साथ साथ घूम रहे हैं ना, पंडाल विजिट्स कर रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं, तो मैंने उसको इसको भी ऐसे ही लिया. हाँ अच्छा आप लोग कर रहे हो, मैं आ जाऊँगी. ओके, यू नो व्हाइल शूटिंग कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट हुई? हाँ, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग. मैंने अचानक से एक मोमेंट था जब रिहर्सल हो रहा था, रिहर्सल शॉट्स हो रहे थे, मेरा टेक मतलब 2-3 मिनट बाकी थे, तो मुझे एक मोमेंट था, मुझे रियलाइज हुआ यही मेरी दुनिया थी, ये शूटिंग वाला माहौल. 5 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, मैंने बहुत सारी मूवीज़ करी, 16 मूवीज़ करी, तो लोगों को मेरी कुछ आद एकदम टॉप की हिट मूवीज़ याद हैं, और बाकी की मूवीज़ मेरे अभी भी TV पे आते हैं चैनल्स में, लेकिन टोटल मेरी 16 मूवीज़ थी साउथ की मूवीज़ को मिला के. तो मेरी दुनिया ही ये थी 5 साल. मैं हर रोज़ मेरा सेट पे ही मैं बड़ी हुई हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज लाइक 19-20, यू नो. तो अचानक से मुझे याद आ गया कि ये मेरा एवरीडे लाइफ हुआ करता था एंड आई एम बैक. एंड देन द नेक्स्ट रियलाइजेशन वॉज नॉट बैड, इट्स कूल, यू नो, नॉट बैड, लाइक अच्छा था ये, मेरी स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म को डिस्टर्ब नहीं करेगा. इफ यू टॉक अबाउट यू नो योर कमबैक, वापस से एक बार मूवीज या वेब शोज को लेकर, सो आर यू ओपन फॉर दैट? आई थिंक नाउ आई एम फीलिंग मच मोर ओपन. यस, आई वॉज ओपन. तो मुझे ऑफर्स तो आ रहे थे, और 2020 इंडिया में आने के बाद मैंने एक मूवी भी साइन करी थी जो टेक ऑफ नहीं हुई, और 2 मूवीज़ मैंने कन्फर्म फाइनल की थी जो शायद अभी भी ऑन है. प्रोडक्शन हाउस में यू नो वो एक प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट तैयार करने का, बट मैंने उतना फॉलोअप नहीं किया. बीच में मेरे दुश्मनों ने भी मेरा एक आध काम बिगाड़ दिया था, बट यू नो आई डेंट फील टू बैड अबाउट इट, बिकॉज मेरा जो एक लाइफ रहा है ना पिछले 13 साल में अध्यात्म, मैं इतना उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं इतना मैं उसमें घुसी हुई हूँ, वो इट्स अ पार्ट ऑफ मी नाउ, यू नो. और ये जो चीज़ है ना, इट्स नॉट अ 8-आवर वर्क,
कनेक्ट. इट्स अ 24-hour ऑब्सेशन. इट्स योर लाइफ. वो भक्तों वाला जो मार्ग, साधना का जो मार्ग होता है ना, आप उसमें जी रहे होते हो. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट मिस इट. आई डिडंट मिस दिस शूटिंग सेट ये वगैरह. मुझे गुस्सा तो था कि कुछ गलत लोगों की वजह से मेरा ये सब छूट गया, मैंने ही अलग हो गई, मैं ही छोड़ी. बिकॉज मूड खराब हो जाता है तो फिर आपका मन नहीं करता. करेक्ट. एंड आई डिडंट फील आई वाज मिसिंग इट बिकॉज आई वाज स्टिल अ सेलिब्रिटी. I was still being treated like a celebrity by the media and by the public. मुझे थोड़ा बहुत ग्लैमर मीडिया फील्ड का एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है मैं जब इवेंट्स में जाती हूँ या कोई ब्रांड का कुछ शूट करती हूँ. सो आई डिडंट मिस द एक्टिंग पार्ट. कल सेट पे जाके मुझे बहुत फेमिलियर माहौल लगा और सब लोग सरप्राइज थे कि मैंने झट झट से मैं आई अंडरस्टूड कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा मुझे लोग देना. मैंने फटाफट अपना काम खत्म किया और मैं निकल भी गई. उन लोगों को लग रहा था कि 4-5 घंटे तो हम है, अभी टाइम लगेगा. बट आई वाज लाइक हाँ हाँ, मुझे पता है दिस पूरा लोगों को देखा. म्यूजिक वीडियो था तो ज़्यादा डायलॉग्स भी याद नहीं करने थे. एंड दे वर सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक हाँ, ये तो इट्स नेचुरल फॉर मी. सो या इट केम वेरी नेचुरली टू मी. आई डिडंट फील कि इतना 13 साल का गैप हुआ है. ओके सो यू नो वी होप आप वापस एक बार कम बैक करो.